Hello, my dear friends. Welcome to my channel's VS Education Sub. Today I am here to discuss English vocabulary from the Hindu editorials, Indian Express, both newspapers. और अपन articles भी discuss करेंगे. Regulars daily आपको English vocabulary video में provide करता हूँ. 100% आपके लिए helpful होगा. आपके exam point of view से helpful होगा. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाते, तो उसी के बेसिस पर इंग्लिश वोकैबुलरी डेली बेसिस पे आपको वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ विद सेंटेंस के साथ एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस और आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वह भी अपन डिस्कस करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन. ठीक है, एंड बिफोर दैट यू आर न्यू स्टूडेंट इन माई चैनल, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए. ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग SBA क्लर्क मेन्स की एग्जाम्स की, या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स, बैंक हो चाहे SBI हो चाहे IBPS हो, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है. ओके, लेट्स बिगन द सेशन. ठीक है, एंड बिफोर दैट आपको एक ग्रेट इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश वोकैबुलरी इडियम्स एंड फ्रेजेस. मैंने यस्टरडे एक वीडियो अपलोड किया था, 50 वर्ड्स का टुगेदर आपको कंप्लीट एकदम कलेक्शंस मिल जाएगा. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड है एंड न्यू वर्ड है. ओके, एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है, तो प्लीज़ अगर आप देख लीजिएगा. अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा. अगर सेशंस अच्छा लगे वो सेशंस, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, सर सेशंस अच्छा था, कुछ सीखने को मिला, अच्छे अच्छे वर्ड्स सीखने को मिले. ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशंस. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडे इज 22 जुलाई 2019. आप सभी का दिन मंगल में हो, इसी कामना के साथ देखिए मोटिवेशन कोड, हियर इट इज. गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स, लाइव द लाइफ यू हैव इमेजिन. ये एक तरह से कहना चाहता है, अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े. जिंदगी इसी जो जैसी आपने कल्पना की थी, जो इट मीन्स कहना यह चाहता है कि जिंदगी में आप अपना कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने अंदर विश्वास, एक आत्मविश्वास बहुत अच्छे तरीके से जागृत करें, ताकि आने वाले फ्यूचर्स में आपकी ज़िंदगी अच्छे से सेटल हो पाए. देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ज़िंदगी का प्रायोरिटी यही, अपनी लाइफ का प्रायोरिटी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप ना कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे, ना ही अपना अच्छे से बेटर कर पाएंगे, अपना बेटर दे पाएंगे. तो याद रखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट, अपने लाइफ के लिए बहुत अच्छा, एक तो सर्वोत्तम है. तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, विश्वास रखिए 100%, कभी ना कभी तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. तो हमेशा अपने ऊपर फेथ रखिए. उसकी देखिए, आइए चलते हैं अपने आर्टिकल्स पर. टुडे इज टू आर्टिकल्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है फ्रॉम उसका हिंदू एडिटोरियल्स में से. फर्स्ट आर्टिकल्स एंड सेकेंड आर्टिकल्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है. इसकी वोकैबुलरी भी मैंने आपको वीडियो के प्रोवाइड की है. 100% कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा. आपको वोकैबुलरी विद सेंटेंस, इडियम्स एंड फ्रेजेज पूरा ऑल ओवर डिस्कशंस करेंगे अपन. 100% आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर आप रेगुलर इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हार्डवर्क कर सकते हैं, तो 100% आपको समझ में आएगा. देखिए फर्स्ट आर्टिकल से, शॉकिंग अप सरप्लस, यानी कि एक तरह से चूसना जिसको सरप्लस, जो अत्यधिक पैसा, उसको एक तरह से कह सकते हैं कंसोलिडेटेड, आप भी एक तरह से कॉन्फिगरेशन भी कह सकते हैं. तो सकिंग अप सरप्लस, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स. देखिए फर्स्ट हम ये दे रहे हैं, देखिए सब हेडिंग पढ़िए आप. सेबी, SEBI, यानी कि सेबी नीड्स फाइनेंशियल अटॉर्नी टू रिमेन इफेक्टिव एज द चीफ मार्केट्स रेगुलेटर. देखिए आर्टिकल्स के बारे में बताने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेबी के बारे में इन्फॉर्म जरूर करूँगा. इन्फॉर्म आपको होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ लिसंस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं इस सेबी के रिलेटेड. देखिए आर्टिकल जो भी है, सेबी का पूछा, क्योंकि लास्ट दिनों में कुछ और के टाइप्स से भी पूछा था, तो उसके बेस पर रिलेटेड आपको उसकी एक तरह से जो बेसिक्स है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. क्या क्या सेबी के बारे में आपको तुरंत रिमेंबर होना चाहिए, ताकि आपको आर्टिकल्स पढ़ने में आसानी महसूस हो, और आपका अगर आपको मालूम है तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा. देखिए सेबी की स्थापना, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म पूछता है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है, तो सेबी की फुल फॉर्म पूछता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड आपके एस्टेब्लिश पूछता है, एंड थर्ड इज द चेयरमैन ऑफ सेबी. ये तीन चार क्वेश्चंस आपको सेबी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है. स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, इंग्लिश में कहें तो स्टॉक. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म, फुल नेम, देखिए फुल नेम सेबी का फुल नाम स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक
एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड हिंदी में कहें तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ओके। एंड देन आपकी आपकी एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश आपको मालूम है, एस्टेब्लिश की डेट सही आपको रिमेम्बर होना चाहिए। एस्टेब्लिश यानी कि स्थापना, स्थापना 1992 एक्ट में तहत 12 अप्रैल, यानी कि 12 अप्रैल 1992, ओके 1992, राइट। ये डेट रिमेम्बर करिए, जो 12 अप्रैल 1992 को एस्टेब्लिश किया था। चेयरपर्सन है इसके अजय त्यागी, ओके। चेयरपर्सन इसके, देखिए तीन से चार क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेयरपर्सन से अजय त्यागी, ओके याद रखिएगा अजय त्यागी। ये तीन से चार क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, 100% इसमें रिलेटेड जनरल जीके के क्वेश्चंस, अवेयरनेस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ओके। एंड देखिए एंड देन आर्टिकल्स, देखिए आर्टिकल्स में कहना चाहते हैं, सपोज सेबी कहना चाहता है कि सपोज सेबी के पास 1000 रुपये, सपोज एक बार अपन मानते हैं 1000 रुपये सेबी ने एक तरह से कह सकते हैं लिए, यानी कि कमाए भी कह सकते हैं कि, तो सेबी तो गवर्नमेंट कहना चाहती है, गवर्नमेंट कहना चाहती है इसमें से 75%, इट मीन से 75%, 75% आपको मालूम हो गया 750, राइट। 750 गवर्नमेंट अपने पास लेना चाहती है, तो सेबी के पास रिमेंबर रिमाइनिंग रहे 250, ओके 250 गवर्नमेंट सेबी के पास रखना चाहती है, एंड गवर्नमेंट 775%, यानी कि 750 गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती है, ताकि हम एक तरह डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट के प्रोसेस हो, डेवलपमेंट के विकास के कार्य चला सकें। तो इसी के बेसिस पर सेबी ने ऑब्जेक्शंस किया है कि एक तरह से रिवाइजिंग से रिकंसिडर कर लीजिए, विचार कर लीजिए इस टाइप से, ये जो निर्णय लिया है उसी के बेसिस पर, जो चेयरपर्सन से अजय त्यागी उसी के रिलेटेड उन्होंने गवर्नमेंट को डिसीजन दिया, तो उसी से रिलेटेड इसमें आर्टिकल्स दिया गया है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आप रीड आउट कीजिएगा। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स थे, पॉइंट्स थे, वो इससे ही रिलेटेड थे, ओके। आई होप यू विल गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से आपको समझ में आया, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए, ओके। एंड देन सेकेंड आर्टिकल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, एकदम कंप्लीट ओवरव्यू अपन से देखिए, कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट रीड आउट आर्टिकल्स आप खुद रीड आउट करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड आउट करेंगे तो 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी। एंड ओवरव्यू जो एनोनिम्स एक तरह से कह सकते हैं हेडलाइन शो, वो अपन डिस्कशंस करते हैं। द थ्री मंथ्स ऑफ अनवेलकम्स अमेंडमेंट, ये आरटीआई एक्ट के बारे में दिया गया है, आरटीआई एक्ट जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसी से रिलेटेड इसमें आर्टिकल्स हैं। तो इतना ज़्यादा अपन के पास पूरा आर्टिकल डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है, तो प्लीज़ आप रीड आउट कीजिएगा, आरटीआई एक्ट के बारे में डिस्कशंस करें। फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सर नहीं समझ में ये आर्टिकल्स, तो 100% आपको उस आर्टिकल्स का नेक्स्ट वीडियोज में आपको क्लियर एकदम समझा दूंगा, ओके। आइए चलते हैं वोकैबुलरी बेसिस पे, ओके। देखिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एक, एंड आज आपके लिए एक न्यू चीज़ तैयार की है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। को अगर आप CHSL की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, MTS की प्रिपरेशन करें, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज होते हैं। तो अभी आपको मालूम होगा गवर्नेंस चेंज हुए हैं ऑल ओवर अपने इंडिया के, इंडिया में ऑल ओवर स्टेट्स के, कुछ कुछ स्टेट्स के गवर्नेंस चेंज किए गए, तो उसी से रिलेटेड अपन ने आज 5 स्टार रखा है वेस्ट बंगाल, ओके। आज अपने स्टेट लिया वेस्ट बंगाल, ओके। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीज कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट कैपिटल सबको मालूम है, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नर आपको अभी चेंज हुआ है जगदीप जगदीप धनकर, ओके याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है और तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से हैं। फोक डांस आपको चौर डांस है, एंड चीफ जस्टिस बी राधाकृष्ण है, याद रखिएगा। ये केरला से बिलोंग करते हैं लेकिन अभी चीफ जस्टिस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में, ओके याद रखिएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार्स से एग्जाम्स में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए कोई हेल्पफुल है, हाँ सर हमारे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सेशंस को क्रिएट करने में, टाइप करने में, तो प्लीज़ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर सेशंस को लाइक करें, ओके। आइए चलते हैं मूविंग ऑन वोकैबुलरी बेसिस पर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे सरप्लस, जैसे कि मैंने बताया ओवर बर्डन सो, ओवर बर्डन सो अत्यधिक हो उसको बोलते हैं सरप्लस, ओके। द सरप्लस अमाउंट ऑफ हिज विल्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू द चेरिटेबल हॉस्पिटल्स, ओके।
कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिकेशन, कॉन्फिस्केट यानी कि इट मीन्स रिक्विजिशंस, रिक्विजिशंस किसी चीज को जब्त कर लेना, इट्स कॉल्ड बी कॉन्फिस्केट। ओके, वर्ब की तरह जो था याद रखिएगा, द सीज प्रॉपर्टी बाई फोर्स ऑफ, फोर्स और अथॉरिटी कॉन्फिस्केट। डिस्पैरिटी यानी कि डिसमिलिट्री, इट मीन्स कहना चाहता है कि विशेष तो विषमता हो, एक तरह से कह सकते हैं डिस्पैरिटी, डिसिमिलिटी किसी भी चीज़ में विषमता हो, इट्स कॉल्ड बी डिस्पैरिटी। नाउन की तरह जो होता है याद रखिएगा, वी आर स्टिल सीइंग अ डिस्पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन्स सैलरीज, यानी कि मैंस एंड इंसान, औरत और आदमी के बीच में, औरत और आदमी के बीच में एक तरह से डिस्पैरिटी है बिटवीन सैलरी के बीच में, वेतन में। ओके, दिस इज ऑल द थ्री वर्ड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट विद सेंटेंस के साथ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड बहुत ही कॉमन वर्ड है, कंसोलिडेटेड दिस इज द वर्ब, यानी कि मिंगल्स, मर्ज करना किसी चीज को एकत्र, अमाल किसी चीज को एकत्र कर देना, मर्ज कर देना, इट्स कॉल्ड बी कंसोलिडेट। ओके, द आरबीआई कंसोलिडेट दिस टू बैंक्स फॉर ग्रेटर इफिशियंसी। ओके, कॉरिश्यू, कॉरिश्यू आपको मालूम है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है ये आपके आर्टिकल्स में भी और अपने आपके क्लॉज टेस्ट और फिलर्स में भी। इंपीरियस, जिस चीज़ को बलपूर्वक एक तरह से कह सकते हैं उसको बोलते हैं कॉरियस्यू। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द प्रेजिडेंट रिलाइड ऑन द कॉरियस्यू पावर्स ऑफ द मिलिट्री। ओके, डिसमेंटल बहुत ही कॉमन वर्ड है, डिसकंस्ट्रक्ट। ओके, वर्ग की तरह जो है याद रखिएगा, वी शुड डिसमेंटल्स आर इफिशियंट टैक्स सिस्टम्स। ओके, दिस सिक्स वर्ड टेक ए स्क्रीनशॉट विद सेंटेंस के साथ। मूविंग ऑन, सेवंथ वर्ड देखिए, बेनेवलेंट। बेनेवलेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है, बेनेवलेंट एंड मॉलेवलेंट ये तीन दो वर्ड्स हैं। बेनेवलेंट इट मीन्स ग्रेसियस, जो फिलंथ्रोपिक हो, एकदम विवेकी पर्सन हो, ईमानदार पर्सन हो, इसको बोलते हैं बेनेवलेंट। ओके, द कंपनी हैज प्रूव्ड टू बी अ मोस्ट बेनेवलेंट एम्प्लॉयर। स्लेंडर यानी कि ग्रेसफुल हो किसी चीज में, स्लिम हो, वहां पर इस वर्ड्स का यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह जो होता है याद रखिएगा। हिज म्यूजिकल्स अचीवमेंट हैपेंस डिसाइडेडली स्लेंडर। ओके, ऑब्शियंस, ऑब्शियंस यानी कि इट्स मीन्स डिफरेंशियल्स रिस्पेक्ट, डिफरेंशियल्स रिस्पेक्ट किसी चीज़ की, किसी एक अलग तरीके से उसकी आदर सम्मान करना, इट्स कॉल्ड बी ऑब्शियंस। द जनरल्स कमांड्स ऑब्सोल्यूट ऑब्शियंस, ऑब्शियंस याद रखिएगा। दीज ऑल आर वर्ड्स टेक इन लाइन वर्ड्स, टेक ए स्क्रीन शॉट विद द सेंटेंस के साथ। आई होप इफ यू लाइक द माई एफर्ट, इफ यू लाइक द वोकेबलरी वर्ड्स, इफ यू लाइक द सेंटेंस, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। देखिए, लाइक ही मेरा मोटिवेशन है, लाइक से ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, बहुत टाइम लगता है सेशंस क्रिएट करने में, तो प्लीज़ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेशंस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को। ओके, टुडेज वर्ड ऑफ द डे, मॉलिकॉडल्स। मॉलिकॉडल्स इट मीन्स इंडल्ज करना, स्पॉइल्स करना, अत्यधिक किसी चीज़ पर, वस्तु पर ध्यान देना केयरफुल तरीके से, इट्स कॉल बी मॉलिकॉडल्स। दिस इज द वर्ड ऑफ द डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, इसमें ये वर्ड्स दिखा था। ओके, ही डज नॉट बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी मॉलिकॉडेट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स बुक में। ओके, आइए देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज। आज इडियम्स एंड फ्रेजेज पेव द वे, इट मीन्स मेक प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस किसी चीज़ को, मेक प्रोग्रेस डेवलपमेंट के रास्ते पर, पैसा एक तरह से कह सकते हैं, वहाँ पर यूज़ किया जाता है पेव द वे। दिस इज द इडियम्स, वेरी इंटरेस्टिंग इडियम्स है पेव द वे। ओके, टेक समथिंग अ पार्ट यानी कि ब्रेक इन टू पीसीज, यानी किसी चीज़ को अलग अलग भागों में विभाजित करना, सेपरेट कर देना, अलग अलग भागों में बांट देना, इट्स कॉल्ड बी ब्रेक इन टू पीसेज, यानी कि टेक समथिंग अ पार्ट। ओके, थर्ड एंड लास्ट देखिए, टू ब्रिंग टू लाइट, इट मीन्स टू रिवील समथिंग, यानी किसी चीज़ का खुलासा कर देना, खुलासा कर देना, इट्स कॉल्ड बी टू ब्रिंग टू लाइट। ओके, दीज आर थ्री इडियम्स एंड फ्रेजेस, टेक अ स्क्रीन शॉट, कभी भी आपको टाइम मिले तो तुरंत रीड आउट कीजिएगा अच्छे से वर्ड्स, इसका सेंटेंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेंटेंस भी क्रिएट कीजिए ताकि आपको अच्छे से रिमेंबर हो पाए। ओके, इफ़ यू लाइक द वोकैबुलरी वर्ड्स, इफ़ यू लाइक द जो 5 स्टार मैंने आज डिस्कशंस किए, आर्टिकल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्प की है सर, हाँ हमारे लिए मददफुल, हमारे लिए कुछ मदद मिली है, हमको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक करें सेशंस को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल्स को, ताकि कोई भी इस टाइप्स के वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। ओके, एंड इंग्लिश वोकैबुलरी जो मैंने कल यस्टरडे वीडियो अपलोड किया था 50 एंड 60 वर्ड्स, तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा। ओके,
दीज आर सेवन दीज आर 10 वर्ड्स, टेक अ स्क्रीन शॉट ऑल वर कलेक्शन से, कभी भी आपको टाइम मिले तो तुरंत अपडेट आउट सरप्लस कॉन्फिस्केट डिस्पेरिटी कंसोलिडेटेड कॉरिश्यूज डिसमेंटल्स बेनिवलेंट सिलेंडर ऑप्शन मॉडिकॉडल, इस टाइप से आप रीड आउट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी और वर्ड पावर भी आपकी अच्छी होती चली जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग्स एंड शेयरिंग्स, आई होप यू आर एन्जॉय द सेशंस। इफ आई एन्जॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।